भाजपा पुलिस बुधवार को गश्त पर थी, जिस दौरान उन्हें तीन आरोपी संदेहास्पद अवस्था में दिखाई दिए। उनकी तलाशी लेने पर उनसे 900 ग्राम गांजा जब्त किया गया। इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया, वही एक आरोपी अब भी फरार है। मिली जानकारी के अनुसार पाचपावली पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले सिद्धार्थ नगर वाचनालय जय भीम चौक के पास पाचपावली पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी, जिस दौरान उन्हें कुछ लोग संशयास्पद अवस्था में दिखाई दी। उनसे जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की और उनकी तलाशी ली गई, तब पुलिस को उनसे एक बैग में रखा 900 ग्राम गांजा मिला। पुलिस ने उन्हें धर दबोचा और 900 ग्राम गांजा सहित कुल 2,59,650 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संजय मेढे ने अधिक जानकारी साझा की। दिनांक 15/6/2021 ला अंदाजे दुपारी 2:30 दरम्यान डीबी पथक पेट्रोलिंग करत असताना सिद्धार्थ नगर वाचनालय जयभीम चौकाजवळ एक कार संशयास्पद रित्या उभी दिसली आम्हाला। त्याच्याजवळ दोन संपन्न उभे होते, त्यांच्यावर संशय आल्याने त्यांची झळती घेतली असता त्यांच्या ताब्यामध्ये 2 किलो 900 ग्राम गांजा मिळून आला। एक किसम त्यातून पळून जाण्यात यशस्वी झाला, पोलिसांनी पाठलाग केला, परंतु तो मिळाला नाही। आम्ही त्याचा शोध घेत आहोत। या दोन जे ताब्यात घेतलेत लोक, त्यांचं नाव आहे एक अनिल कुमार मोहनलाल चौकसे, वय 37 वर्ष, राहणार कैकाडा, तहसील छपरा, पोलीस स्टेशन आदिगाव, जिल्हा शिवनी, मध्य प्रदेश। आणि दुसरा आहे बेनी सिंग मुरलीलाल गज्जाम, वय 52 वर्ष, राहणार पहाडी टोला, तहसील छपरा, जिल्हा शिवनी। असे दोन आरोपी आमच्या ताब्यात मिळालेले आहे। त्यांची आम्ही माननीय न्यायालयाकडे प्रोड्यूस करून 2 दिवस PCR मिळवलेला आहे। सध्याचा गांजा त्यांनी कुठून आणला होता, काय आणला होता, याबद्दल आम्ही सखोल तपास करत आहोत, ज्याचा तपास पोलीस उपनिरीक्षक खंडार प्रमोद खंडार हे करीत आहे। इस मामले में पुलिस ने आरोपी अनिल चौकसे और बेनीर सिंह गज्जाम को गिरफ्तार करने में यश हासिल किया। वही एक आरोपी अब भी फरार है, जिसकी जांच पुलिस द्वारा जारी है। वही इस संदर्भ में पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई भी जारी है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ निशा हटवार, BCN न्यूज, नागपुर।